रात्रि से हम 7 साल पहुंचे तो हमारे भाई मिले। हेलो भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। आपने लेट कर दी, कल सौरभ भैया आए थे। सौरभ जोशी। हाँ, सौरभ जोशी और पी। तो फाइनली गाइस 7 साल पहुंच चुके हैं और देखो यहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिर कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग, और पहले तैयार होते हैं उसके बाद शुरू कर लेंगे हम। तो दोस्तों हो गए हैं तैयार, अब चलते हैं जो हमारे साथी पार्टनर हैं आज प्रत्युष भाई के पास। पहुंच गए हैं प्रत्युष भाई के घर, बस उनके आने का वेट हो रहा है। ये आ गए हमारे प्रत्युष भाई। हेलो प्रत्युष भाई, कैसे हैं? हाउ आर यू? इतना इंतजार करोगे मतलब? यार इंतजार क्या, मतलब क्या ही कह सकते। हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप। भैया टंकी फुल कर देना यार। कोशिश बहुत लेट हो गए हैं, जो कि समय हमारा बहुत हो गया। जैसे दोस्त हम क्रॉसिंग पार कर गए थे, क्रॉसिंग पार करते जैसे हम आया था, हमें फाटक लगा हुआ मिल गया, तो जिसमें हमारा आधा पौन घंटा खराब हो गया। अब दोस्तों ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए हम सीधे आपको हल्द्वानी मिलते हैं। फाइनल दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं हल्द्वानी आपका। तो यहाँ पे हमारे जो साथ प्रत्युष भाई हैं वो कह रहे थोड़ी चाय की चुस्की ली जाए, चाय का आनंद ले लेते थोड़ा सा, चिलचिलाती धूप में। दोस्तों अभी ये हमारे भैया हैं जहाँ पे हमने भी चाय पी थी, अभी अभी हमारे सब्सक्राइबर बन गए, इनके फोन से भी हमने अपने चैनल में बेल आइकन भी दबा दिया और नोटिफिकेशन सारे जो हैं वो ऑन कर लिए हैं। तो दोस्तों चाय हो गई ख़त्म, सफ़र हो गया शुरू। शुरू करते हैं अपने सफ़र को प्रत्युष भाई के साथ। नाउ द राइड बिगिंस। दोस्तों अभी हम इस वाले रास्ते से आए थे, ये हल्द्वानी का रास्ता जा रहा है और ये जो सीधा जो वे जा रहा है इसका नैनीताल को जा रहा है, और ये थर्ड वे है जो हमने चूज करना है ये जा रहा है हमारा भीमताल को। तो दोस्तों यहाँ से भीमताल की दूरी 17 किलोमीटर रह गई है जहाँ का हमने सफर तय करना है। दोस्तों वैसे रास्ता यहाँ से भी हमारा भीमताल का, लेकिन यहाँ से हमारे बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से जाके हमारा कोई फायदा नहीं है। और ये वो रूट है दोस्तों जहाँ से हम चार धामों की यात्रा कर सकते हैं, अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, जो है अल्मोड़ा वगैरह सब यहीं से जाते हैं हम। तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय ना मैं व्यर्थ करते हुए बचाते हुए कि इस बार हमारा जो वीडियो है ज्यादा लंबा ना हो जाए, आगे सफर शुरू करता हूँ। आपकी मुलाकात होती है सीधे भीमताल में। दोस्तों हमें एक अच्छा व्यू मिला, अभी हम पहुंच गए मतलब भीमताल से थोड़ा पहले हैं, हम अभी पहुंचे हैं सुसाइड पॉइंट में। अभी थोड़ी देर पहले वो दोस्तों हम कैमरे पे कैद नहीं कर पाए, हमारे प्रत्युष भाई को दो हमारे पुलिस के जवान थे, उन्होंने रोका, उनसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोकेशन अच्छी मिली, हम थोड़ा सा शूट लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया जो आपको दिख रहा था जाली सी लग रही है वो हमारी नो एंट्री है वहाँ से, लेकिन साइड से थोड़ा सा मतलब जाने के लिए बना रखा है, मतलब ऐसा नहीं हम ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, पीछे से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों सुसाइड पॉइंट, ये बैरिगेट लगा रखे हैं यहाँ से नो एंट्री का, और जो रास्ता ये है छुपा रुस्तम रास्ता यहाँ से है। बहुत खूबसूरत नज़ारा हमारे उत्तराखंड माउंटेन्स का। लंबाई है मेरे ख्याल में, यहाँ अंदर है अंदर 7 ताल में ऊपर जंगल में, यहाँ 7 ताल से पता कर लो डीले कर लेगा एक बात करते हैं, चलो किसी और से पूछ लेते हैं ना। तो दोस्तों पहुँच गए हम भीमताल। तो दोस्तों हमारा जो डेस्टिनेशन था, गोल था, वो अभी हमारा यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा जो हिलिम्बा पर्वत है, और काफ़ी पूछने के बाद हमें पता लगी गया कि वो 7 ताल की तरफ है। अरे बहुत ही सुंदर नज़ारा भीमताल लेक का हमारी। और यहाँ का मौसम देख के मन ही नहीं कर रहा यहाँ से आगे की ओर कहीं जाने का। वो तो कहो हम दोस्तों जो है गर्म कपड़े और एक जैकेट वगैरह रख के ले आए हैं, नहीं तो यहाँ तो हमारे
तोते उड़ जाने थे ठंड से। फाइनली समय इतना बहुत हो गया, जैसा कि हमें प्रत्युष भाई ने भी दोबारा बताया कि तो यहाँ पे ट्रैकिंग है हमारी वो थोड़ी लंबी है, 4 घंटे मान लो है, मतलब बोथ साइड है, तो फिर जितना जल्दी जाया जाएगा उतना जल्दी वहाँ से निकला भी जाएगा। बाकी हम इतना वो है नहीं कि हम लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ से हम समय से भीमताल आ जाए वापस, है ना। तो प्रत्युष भाई ठीक हो गया, प्रत्युष भाई ने अपना पैकअप कर लिया है आगे के लिए। ठीक हो गया, भीमताल से निकल के अब हमने सात ताल पहुँचना है, जो कि यहाँ से उसकी दूरी 18 किलोमीटर है। मौसम भी अभी ठीक है, समय भी ठीक हो ही गया है, तो सात ताल ले निकलते हैं, वहाँ से भी ट्रैकिंग अपनी 3-4 किलोमीटर की रह जाती है। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं सात ताल, यहाँ से जो हमारा ट्रैक है वो यहाँ से है, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे। तो हमने कहाँ से आना है इधर? अरे थोड़ा सा ऊपर जाके पैदल है। कितना कितना अब यहाँ से हमें निकलना होगा ऊपर, हमने बाइक खड़ी करके कितना किलोमीटर पैदल होगा आंटी जी? मतलब आधा एक घंटा लग जाएगा, आधे पौन घंटे का हमारा ट्रैक है, चलते हैं फिर। आंटी जी ने हमें बताया जो हमारी पार्किंग थी वो थोड़ी सी ऊपर ही है, तो इसलिए हमने सोचा हेलमेट ही रख देते हैं। जैसे हम सात ताल पहुंचे तो हमारे भाई मिले। हेलो भाई, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया है। आपने लेट कर दी, कल सौरभ भैया आए थे। सौरभ जोशी? हाँ, सौरभ जोशी और पीयूष। अरे भाई बोल रहे हैं सौरभ जोशी और पीयूष आए हुए थे, उनकी फोटो भी पड़ी है मेरे पास। अच्छा, फोटो पड़ी हुई है, दिखाना। सौरभ जोशी और पीयूष आए हुए थे, ये भाई ने फोटो खिंचवा रखी है। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, मतलब हमने लेट कर दिया, मतलब एक दिन आने में कोई दिक्कत नहीं, क्या पता आगे हमारी उनसे मुलाकात हुई। भाई बता रहे हैं कि इन्होंने ही उनको यहाँ पे घुमाया था, बहुत टाइम स्पेंड किया। अच्छा, बहुत टाइम स्पेंड किया। वो इनका ब्लॉग आने वाला, आज डेट हो गई हमारी 15th अक्टूबर, 14th अक्टूबर को उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया होगा, अब शायद 17-18 में जाके पोस्ट होगा, बिल्कुल देखिएगा। ये तो बियर रखी।